हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद रिशु। वी हैव कंप्लीटेड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल, हीट, एसिड एंड बेस, न्यूट्रलाइजेशन एंड फिजिकल चेंजेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, पूरा इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। अगर आपने फिजिकल चेंजेस नहीं पढ़ा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप केमिकल चेंजेस पर आइएगा। थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं क्या था। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कलर, साइज, स्मेल, हार्डनेस और लश्चर के हिसाब से वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई चीज़ बनी है तो कुछ बॉन्ड होंगे, कुछ रिएक्टिविटी होगी, या कोई भी उसका केमिकल जो कंपोजिशन होता है उसमें अगर चेंज हो रहा है तो वो हमारा हो जाता है केमिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज ये सारी हो जाती हैं किसी भी मैटर की, किसी भी सब्सटेंस की बॉन्ड रिएक्टिविटी, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है। अगर इनमें कोई चेंज हो रहा है तो वो हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज। बेसिकली हम लोग इसमें देखेंगे, अगर जैसे हम लोग कुछ बना रहे हैं या कोई भी चेंज कर रहे हैं तो वो उसके अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पा रहा है वापस, तो या फिर दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि कुछ नया ही चीज़ बन जाती है। तो अगर कुछ नई चीज बन गई तभी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ पाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो यही हो जाएगी, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज केमिकल चेंज। मेन क्या हो जाएगा कि नया चीज बन रही है, कोई भी नई चीज अगर बन जा रही है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ पा रहा है, वो हमारा हो जाएगा केमिकल चेंज। हम लोग देखते हैं इसे केमिकल, इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे मेडिसिन बनती है तो वो भी किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही बनती है। एक एक मेडिसिन में काफ़ी सारी चीज़ों का कंपोजिशन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलाकर एक परफेक्ट रेशियो में मिला मिला कर वो बनाई जाती है, तो वो मेडिसिन भी एक केमिकल चेंज ही हुआ। जो प्लास्टिक यूज़ होती है वो भी केमिकल चेंज है, पॉलीमर का ही केमिकल चेंज करके प्लास्टिक बना दी जाती है। डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट भी काफ़ी सारी चीज़ों का, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सब के बाइकार्बोनेट्स मिलकर बनता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज ही हुआ। अब एक जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केवल एक ही यही नहीं बनेगा। अगर हम लोग मेडिसिन बना रहे हैं या प्लास्टिक बना रहे हैं, डिटर्जेंट बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो सिर्फ वही नहीं बनती है, कुछ चीज़ें और भी एडिशनल होकर आती हैं, तो जो अनवांटेड भी ले सकते हैं लेकिन वो निकल कर आती हैं। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, अब जैसे कोई रिएक्शन हुई तो उसमें क्या हो जाएगा, हीट निकलेगी या तो मतलब गर्म हो जाता है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन था, तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या था कि जब हम लोग एसिड बेस मिला रहे थे तो हीट जनरेट हो रही थी ना, तो वो हो गई एक, ये एडिशनल प्रोडक्ट ही तो है, एक लाइट निकल रही है या कोई चीज़ गर्म हो जाती है या धुएं के साथ निकल रही है, साउंड के साथ एक हेसिंग साउंड आने लगता है, या फिर कहते हैं कि ब्लास्ट हो जाए किसी चीज़ में, वो भी एक एडिशनल चेंज हो गया। या फिर क्या हो जाता है कि स्मेल में चेंज आने लगता है, कुछ थी नॉर्मल स्मेल लेकिन उसमें चेंज हो गया, कलर में चेंज हो गया, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एडिशनल चीज़ें हो जाएंगी जो आप केमिकल रिएक्शन कर रहे थे उसमें कुछ अलग ही चेंज हो गया। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि फायर वर्क हो जाते हैं, पटाखे जलाने का काम होता है, तो आप पटाखा जब जलाया जाता है तो उसमें साउंड भी होता है, हीट भी जनरेट होती है, साउंड भी निकलेगा, लाइट भी होगी, एक जब पटाखा जलता है तो उसके साथ कुछ अजीब सी स्मेल भी आती है, और वही चीज़ ये सारा क्या हो जाएगा, एक एडिशनल प्रोडक्ट के तरीके से केमिकल चेंज में आएगा। अगर फूड हमारा खाना अगर स्पॉइल्ड हो गया या फिर सड़ गया है तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें भी क्या हो जाता है, अगर खाना सड़ गया है तो उसमें फंजाई लग जाती है, या फिर स्मेल गंदी आने लग जाती है, कलर भी चेंज होता है, ब्राउन कलर की लेयर लगने लग जाती है, वो हो गया, तो ये सारा क्या हो जाएगा, एडिशनल प्रोडक्ट होते चले जा रहे हैं, उसमें बेकार सी चीज़ें, सारा केमिकल चेंज होता जा रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर केमिकल चेंज हो रहा है। अब हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, केमिकल चेंजेस किस किस चीज़ों में किस किस तरीके से होता है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं हम लोग जैसे रस्टिंग की, रस्टिंग की भी डिटेल स्टडी हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन आते हैं जो हमेशा पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछ देते हैं वो लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन दे दिया या कुछ दे दिया, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर वो समझ नहीं आती है। तो हम लोग उसको जरा देखेंगे कि किस तरीके से क्या होता है जिस पर क्वेश्चन बना देते हैं ये लोग। जैसे कि इसमें दिख रहा है कि एक मैग्नीशियम की रिबन ली हुई है, अब उसका क्या किया है, मैग्नीशियम की रिबन लेके उसको जलाया हुआ है, जलाने के बाद ये क्या होगा कि इसमें से जो राख में बन जाएगा, ये वाइट कलर की राख आएगी, ठीक है, अगर वाइट फ्लेम के साथ ये जलता है तो ये राख जो होगी वो निकल के आएगी। राख में अगर हम लोगों ने उस राख को उठाया और पानी में मिला दिया,
अब क्या होगा, एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन इसका बनने के बाद अगर हम लोग उसका टेस्ट करते हैं तो वो, एक तो पहली बात है कि वो मैग्नीशियम नहीं होगा, मैग्नीशियम का कोई दूसरा कंपाउंड बन चुका होगा। अगर हम उसका मिला के कुछ टेस्ट करते हैं लिटमस के साथ कि वो क्या बना है, किस तरीके से क्या हुआ है, तो हम लोग को पता चलेगा कि केमिकल चेंज हुआ है नहीं हुआ, या कुछ नया कंपाउंड बना है कि नहीं बना है, उसको हम लोग देखते हैं कि अब क्या होगा। जैसे इसमें रिटर्न में ही हमेशा पूछ लेते हैं वो, जैसे कि पूछा मैग्नीशियम की रिबन ली हुई है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जला दिया, अब क्या हो गया, ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, ये इसकी राख बन गई, ऐश बन गई है, इसको उठाया, इसको पानी के साथ मिला दिया, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। इसका टेस्ट अब हम लोग करेंगे, अब ये देखेंगे कि ये कंपाउंड है क्या। यहां पर क्या किया, इसको उठाया, रेड लिटमस के साथ जब हम लोग इसका टेस्ट कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, ब्लू कलर। अगर ब्लू लिटमस के साथ कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं दे रहा है। ये जब मैंने एसिड बेस्ड चैप्टर पढ़ाया था तो ये चीज बताई थी कि किसके साथ रेड लिटमस जो होगा वो ब्लू कलर देता है और ब्लू लिटमस कोई कलर नहीं देता है। अगर आपको ये नहीं पता तो उसमें काफी अच्छे से बताया गया है, एक बार उसको देख लीजिएगा तो ये टॉपिक आपका हमेशा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, अगर रेड लिटमस के साथ ब्लू कलर दे रहा है तो वो हमेशा हमेशा बेस होगा। तो ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गया हमारा, ये हमारा हो गया बेस। ठीक है, ये पता चल गया हम लोगों को। अब क्या है, उठाया क्या था हम लोगों ने, मैग्नीशियम बन क्या गया, बेस। इसका हम लोगों ने क्या, अब ये हम लोग चाहे कि अपने वापस में उसमें चला जाए तो शायद मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या है कि ये एक जब रिएक्शन हो रही है तो एक नई चीज फॉर्म हो रही है। जब उसमें अभी पढ़ाया था तो उसमें एक ही चीज थी कि एक नया कंपाउंड या एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज। तो ये आपका क्या हो गया, एक केमिकल चेंज। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब ली हुई है, इसमें क्या है, विनेगर और बेकिंग सोडा, विनेगर हमारा घर का जो सिरका बोलते हैं, बेकिंग सोडा, इन दोनों को चीजों को मिलाकर एक टेस्ट ट्यूब में रखा गया है। अगर अब क्या होगा, अब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो एक हिसिंग साउंड के साथ क्या होगा कि एक गैस बनेगी। हिसिंग साउंड मतलब वो नहीं होती है, इस करके निकलती रहती है, तो उसको बोलते हैं। वो क्या होगा, और नई चीजें भी कुछ बनेंगी जो इसी में रहेंगी, तो क्या गैस जो होगी वो इसको पास करके इधर आ रही है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, लाइम वाटर बना के रखा है, जो अभी अभी बनाया हुआ है लाइम वाटर, इसको क्या करा है, यहां से जो गैस पास हुई उसको इसमें डाल दिया। अब क्या होगा, जो लाइम वाटर था उसका कलर चेंज होके हो जाएगा, ये मिल्की वाइट बन जाएगा, दूधिया कलर आ जाता है। ये जो अब क्या, इसका जो कलर चेंज होना है ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये हम लोग को ये दिखा रहा है कि यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है जिसके कारण जो कलर जो है वो दूधिया हो गया है, उसका मिल्की वाइट हो गया है इसका कलर। ये किसकी प्रेजेंस के कारण हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट जब बन जाता है तो हम लोग यही बोलते हैं कि ये, इसको ये बोला जाता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है, जब आगे क्लासेस में काफी प्रैक्टिकल वगैरह में ये कराया जाता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो विनेगर लिया, बेकिंग सोडा के साथ करी, हिसिंग साउंड आया, ये CO2 के कारण है। ये पूछा गया एक बार कि ये जो हिसिंग साउंड आ रहा है वो कौन सी गैस फॉर्म हो रही है, तो CO2 फॉर्म हो रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये। उसके बाद जो कुछ बुलबुले भी निकल कर आते हैं, इसी गैस को हम लोगों ने क्या किया, लाइम वाटर में पास कर दिया। लाइम वाटर में पास करने के बाद ये जो था क्या बन के आया है हमारा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ही बनकर आया। ये इसी की वजह से, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया किसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, तो इसी की वजह से इसका फॉर्मेशन जो हो रहा है, इसकी वजह से लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की कलर का, दूधिया कलर का ये हो जाता है। ये दोनों एक्टिविटीज हैं, इन दोनों की रिएक्शंस काफी बार पूछी गई हैं। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ये जो है ये सीटेट में आया हुआ है, UPDET में तो हर बार ये पूछते हैं कि ये किस तरीके से, कौन सा ब्लू में चेंज हो रहा है, रेड में नो चेंज हो रहा है, ये पूछते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन तो 2-3 बार रिपीटेड है, ये एक्टिविटी भी पूछी गई है। एक्टिविटी वो डायरेक्ट लिख कर भी पूछ देते हैं और इस तरीके से भी पूछ देते हैं, किसके कारण हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, मिल्क किसमें, लाइम वाटर किसमें चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको ये एक्टिविटी पता है तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स पर कि क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं डेली लाइफ में। जैसे सबसे पहला आता है गर्मियों में क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा दिक्कत दूध के साथ होती है, वो क्या होता है, शावर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। शेयरिंग ऑफ मिल्क इन समर,
दूध का खट्टा होना ये केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार खट्टा हो गया उसके बाद वो वापस नॉर्मल टेस्ट में नहीं आता, तो इसमें टेस्ट में भी चेंज हो रहा है और उसके जो कंपोजिशन में भी चेंज हो जा रहा है। तो ये हमारा हो गया केमिकल चेंज हो गया। बर्निंग ऑफ कोक इन द एयर, कोक को अगर हम लोग एयर में जला रहे हैं तो वो क्या होगा, अपने प्रीवियस फॉर्म में नहीं आएगा वापस, जिस तरीके से वो जल जाएगा तो या तो ऐश बन जाएगा, राख में कन्वर्ट हो जाएगा या किसी भी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने अंगूर से क्या बन जाती है उसका, इस हिंदी में उसको किण्वन बोलते हैं शायद, तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स इससे बनता क्या है, वाइन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट की बात करें, एक बार फल है जो कच्चा था और एक बार पक गया तो वो दोबारा कच्चा नहीं होगा, सीधे वो सड़ेगा। तो ये भी क्या हो गया, एक केमिकल चेंज है, एक नई चीज बन रही है, दूसरी बात वो अपने प्रीवियस फॉर्म में वापस नहीं आ पा रही है। हम लोग क्या करते हैं, एप्पल को जब काटा तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर हो जाती है, एप्पल में भी हो जाती है और ब्रिंजल में भी हो जाती है, जिसको हम लोग, इसमें क्या हो जाता है, ये ब्राउन कलर की जो लेयर बन रही है उसके ऊपर, ये भी एक केमिकल चेंज है। फिर आते हैं हम लोग कुकिंग ऑफ फूड पे। कुकिंग ऑफ फूड क्या हो गया कि जो